हेलो दोस्तों, स्वागत तुम लोगों का एक और हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं भूतिया चीजें जो कि एक्चुअल कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं। एंड तुम लोग मेरे से टाइम मत पूछना भी क्या हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को रात में ही ऐसा याद आता है ओ हॉरर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। एंड उसके भी ऊपर से अभी ना ऐसा कुत्ते भौंक रहे थे गली में, एंड अभी रात का टाइम हो रहा है। एंड तुमने ये सुना ही होगा कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं। लाइक मैंने बचपन से सुना हुआ है कि उनको भूत दिखते हैं एंड रात में। लाइक कुछ कुत्ते तो ऐसा रो भी रहे होते हैं, लेकिन लिटरली वो आवाज आ रही थी अभी। एंड इसी वजह से मैंने वीडियो में भी लेट रिकॉर्ड चालू करी है, बिकॉज मेरे को डर लग रहा था वीडियो स्टार्ट करने में। अभी कुत्ते शांत हो गए हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, सो ये हमारी पहली क्लिप। जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलेगा। जाती हुई इस लड़की ने अजीब सी परछाई को सीढ़ियों से गुजरते हुए देखा, जिसके बाद उस लड़की ने लिफ्ट से निकलकर उस परछाई का सीढ़ियों तक पीछा किया, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दिखा? मेरे को तो कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही लड़की पीछे मुड़ी तो परछाई एक अजीब से जीव की शक्ल में उसके पीछे उसे देख रही थी। ये देखकर वो लड़की घबरा कर पीछे हटी, लेकिन भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। भाई रात के टाइम मैं ये सब नहीं देखना चाहता, प्लीज प्लीज। फिर वो लड़की बिना कुछ सोचे बस भागने लगी और वापस लिफ्ट में दौड़ते हुए चली गई। लेकिन इस बार कई कोशिशों के बाद भी लिफ्ट के दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे थे। वो लड़की तुरंत दोबारा सीढ़ियों की तरफ भागी ताकि वो उस बिल्डिंग से निकल सके, लेकिन वो जीव वही उसके सामने सीढ़ियों पर खड़ा था। भाई सोचो तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, भाई सोचो ही मत भाई। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अपनी अलग अलग राय बताई, जिसमें से कुछ लोग मानते हैं कि ये बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन कुछ लोग इसे सच वीडियो भी मानते हैं। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। भाई मैं नहीं चाहूंगा ये सच हो, प्लीज भाई प्लीज, बोल तो ये झूठ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश्वर लोक जागर रामदूत अतृत बलधामा अंजनी पुत्र वंशुतनामा। घर क्या होता है? ये रूम है। अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाने के बाद सभी पेरेंट्स उनके वीडियो बनाना पसंद करते हैं। मलेशिया की रहने वाली नूर इफरीना रोशनी भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। वो अपने पति और एक बच्चे के साथ थीम पार्क में आई थी। इस ट्रिप के दौरान उसने अपनी इस छोटी सी फैमिली के कई वीडियो रिकॉर्ड किए, और इन तमाम वीडियोस में कैमरे का फोकस बस उनके प्यारे से छोटे बेटे मोहम्मद पर था। हालांकि इस एक वीडियो में ना चाहते हुए भी उनका फोकस किसी और पे चला गया। क्या है इस वीडियो में भाई, बच्चे झूल रहे, इसमें क्या अजीब है? हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ भी अजीब ना लगा हो। अजीब है क्या? मोहम्मद के पास बैठे इस दूसरे बच्चे पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जैसे ही ये झूला घूमता है और कैमरे की तरफ वापस आता है तो मोहम्मद के पास कोई भी बैठा दिखाई नहीं देता। आर यू सीरियस? ओ भाई व्हाट द हेल। जो बच्चा कुछ सेकंड्स पहले यहां बैठा था वो अब गायब हो चुका था। भाई वो एक राउंड में कैसे गायब हो गया? और वो तुम अगर सही से देखोगे ना, तुरंत ही इस अजीब वो लड़का उधर देख के फिर भी हंस रहा है। उसने अपने बच्चे से इसके बारे में, इट्स लाइक कि उसको दिख रहा है वो बच्चा फिर भी, मतलब वो कैमरे में नहीं है बट फिर भी उसको दिख रहा है। तुम देखो इसको एक बार ही, तो मोहम्मद के पास कोई भी बैठा दिखाई नहीं देता। ये देखो ये लड़का अभी भी इधर देख के हंस रहा है। शिट भाई, कैसा हो सकता है वो बच्चा कूद गया हो? नहीं, उसको चोट लग जाएगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ने तुरंत ही इस अजीब घटना को नोटिस किया। उसने अपने बच्चे से इसके बारे में पूछा तो बच्चा कहने लगा कि मुझे नहीं पता माँ आप किसके बारे में बात कर रही हो। व्हाट, मतलब उसके साइड में कोई था ही नहीं उस बच्चे के हिसाब से? भाई ये क्या चीज है? ओके, अगली क्लिप। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को तमिलनाडु का बताया जा रहा है। ये ट्रेन स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, भाई एक्चुअल कैमरा ही। साधारण रूप से प्लेटफॉर्म पर आम इंसान चलते दिखाई देते हैं, पर कुछ ही देर बाद यहाँ एक असाधारण घटना देखने को मिलती है। तुम्हें वो शैडो दिख रही है पीछे? देखा हुआ क्या भाई? मैंने शैडो देखी, तुमने देखी? पटरियां पार करते हुए इस आदमी और उसके साथ चल रहे छोटे बच्चे के पीछे एक परछाई प्रकट हुई और वो इन दोनों का पीछा करने लगी।
उसको शायद फील भी हुआ कुछ अजीब सा, उसने पीछे मुड़ के देखा एक बार। लगता है मानो पटरियों तक पहुंचने के साथ ही ये परछाई इस इंसान के अंदर समा गई। अंदर शायद इस बंदे ने भी इसके साथ ही कुछ महसूस किया। हालांकि उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और वो यहाँ से चलता बना। था क्या ये एक्चुअली? भाई मेरे को लगता है सारे भूतों को ऐसा फेमस होने का है, इसलिए सब कैमरे में दिख रहे हैं। ओके, अगली क्लिप। द हाईवे 9 यूट्यूब चैनल पर एक शख्स ने आज से तकरीबन 4 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया और बताया कि पहाड़ी इलाके में हाइकिंग करते हुए कभी भी किसी अनजान गुफा में मत घुसना, क्योंकि उसने खुद भी कुछ ऐसी ही गलती की। वो अपने पालतू कुत्ते के साथ इस गुफा में दाखिल हो गया और फिर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला। ये गुफा में जा रहा है, ठीक है, ये कीड़ा है कोई। हाँ ये मैंने देखा भाई, पर इसमें कुछ डरावना नहीं है, ये तो नॉर्मल है भाई। अंदर जा रहे हैं, आर यू सीरियस? एक ऐसी गुफा में जिसको भाई शेर भी होगा फिर ही पट जाएगी, भूत तो दूर की बात है भाई। कंटेंट के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है, कंटेंट के लिए तो जा रहे हैं वो है। ओके, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। गुफा के आखिरी छोर पर उसे देखो। भाई मेरे को और नहीं देखना इसे। पर देखो ऐसा भी हो सकता है किसी ने ऐसे कपड़े टांग के छोड़ दियो। भाई मैं हर कोशिश कर रहा हूँ ये साबित करने की भूत नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे इसके बाद सोने भी जाना है। पर भाई एक्चुअली यहाँ पे कोई तो था भाई। ओके, सो अगली क्लिप। पिछले कुछ महीनों से मलेशिया के कई इलाकों में हूबहू एक जैसी घटना अनेकों लोगों के साथ हो रही है। ओके, क्या हो रहा है भाई? वो गेट लॉक करके उसने खोल दिया, कौन है, कोई है? भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? जोर से घरों का दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं, जबकि दरवाजा खोले जाने पर बाहर कोई नहीं मिलता। मैं सोचो ये कितना डरावना है। ओ भाई कैसी आवाजें आ रही हैं? वो बंदा जा रहा है। मानते हैं कि अलग अलग राज्यों में हो रही इन सभी घटनाओं का जरूर आपस में कोई ना कोई संबंध है। पर उसे गेट खटखटा रहा है कोई रात के टाइम पे, पर उसकी फट कैसे नहीं रही है? आई गेस उसके घर में और भी लोग हैं, मैं अकेला बैठा हूं यहां पे इसलिए मेरी फट रही है। संयोग की बात है कि इसी दौरान मलेशिया से कहीं दूर फिलीपींस में रहने वाले लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही इंसिडेंट्स का सामना किया। भाई इंडिया में लेके आओ, रात में सारे भाई मत लेके आओ प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। ए लेता से यूबलाई, वो चिल्ला रहा है कौन है घर के बाहर, कुत्ते भौंक रहे हैं। देख भाई अब मेरे को कंफर्म हो गया, कुत्तों को एक्चुअली भूत दिखते, तुम्हें यहाँ पे दिख रहे कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भूत है। इसे भी कोई नॉक कर रहा है, उधर देख। स्थानीय लोगों में अफवाह फैल गई कि अगर दरवाजा खोला तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आधी रात के बाद सड़कों पर एक रहस्यमय पंथ के लोग घूम रहे हैं जो गायब हो सकते हैं।
खुद को जानवर में बदल सकते हैं। भाई 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 भाई, मैंने बचपन में एक्चुअली एक स्टोरी सुनी थी, मेरी अम्मा ने सुनाई थी, ऐसा वो भूतों की बारात कुछ ऐसा ही था भाई। आई नो तुम्हें ऐसा स्टूपिड लग रहा होगा, बट भाई मेरी फट गई थी उस टाइम पे वो सुन के, एंड मेरे को ये सब देख के वही याद आ रहा है। ओके, अगली क्लिप। UFO देखे जाने की घटनाएं कई जगह रिपोर्ट की जाती है, लेकिन मेक्सिको में रिपोर्ट हुई इस घटना को आप देखेंगे तो आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कोई UFO एक पहाड़ के ऊपर हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये चीज है ना, मेरे को बचपन में बहुत ज्यादा ऐसा फैसिनेट करती थी, ऐसा UFO एलियंस, मैं पूरे दिन यही वीडियोस देखता रहता था। उस UFO के बीच में से एक बीम उस माउंटेन के सरफेस पर कुछ मिनट्स के लिए गिरी, जिसके बाद स्पीड से ऊपर की ओर उड़ गया। कई उस बीम में एलियंस तो धरती पर नहीं उतरे थे। भाई मेरे को, मैं चाहूंगा ये सच हो, बट मेरे को लग नहीं रहा है। भाई एडिटिंग हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ भाई एलियन आए मेरे घर में पहले अटैक कर दे, मेरे को चलेगा, बट मेरे को एलियन देखने यार। ओके, अगली क्लिप। टेस्ला दुनिया की सबसे स्मार्ट कार्स की गिनती में आती है, लेकिन शायद इनकी स्मार्टनेस कब्रिस्तान के पास काम नहीं करती। पियरो नामक व्यक्ति ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उनके टेस्ला कार में ऐसा स्मार्ट फीचर है जो कि सामने मौजूद इंसानों को डिटेक्ट कर लेता है। या ऐसा होता है, लाइक ऐसा टेस्ला ऑटोमेटिक कार है ना, वो खुद से चलती है, लाइक उसमें ऐसा फीचर है, तो उसको ये डिटेक्ट करना ही जरूरी है कि आसपास कितनी गाड़ियां हैं या फिर लोग हैं कहीं पे, ताकि वो किसी से ठुक ना जाए। पर जब सामने कोई इंसान हो ही ना, फिर अगर ये स्क्रीन पर किसी इंसान की मौजूदगी जता रहा हो तो डरना जायज है। ये कब्रिस्तान के पास है और उसकी कार में दिखा रहा है वहां पे एक आदमी है, बट वहां पे कोई नहीं है। क्या इस टेस्ला के सेंसर्स में कोई खामी है, या फिर जो सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं उसे हम देख नहीं पा रहे? भाई मेरे को नहीं पता कि ऐसा डिटेक्ट कैसे करती हैं कार्स वगैरह, बट जितना मेरे को पता है वो रेडिएशंस के थ्रू ऐसा डिटेक्ट करती हैं। भूत एक तरह से एनर्जी होते हैं ना, तो क्या पता वो रेडिएशंस में डिटेक्ट हो जाते हो, एंड इसीलिए ये कार डिटेक्ट कर पा रही है वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। भाई ये चीजें मेरे लिए इतनी सेंस क्यों बना रही है? ओके, अगली क्लिप। नेट पर डाले गए इस वीडियो में एक गाँव के कुछ लोग बड़ी ही हैरानी से एक पेड़ की तरफ देखते दिखाई पड़ते हैं। दरअसल इन सभी को इस पेड़ के ऊपर एक महिला खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ मानो पीछे से बंधे हुए थे, और ये महिला बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। इस नजारे को देखकर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पेड़ की इतनी ऊंचाई पर यह मोहतरमा चढ़ी कैसे, चलो चढ़ भी गई खड़ी तो इतने आराम से खड़ी कैसे है, और आखिर वो ऐसा करके साबित क्या करना चाहती है, समझ पाना मुश्किल है। एंड अगर तुम सही से नोटिस भी करोगे, ये पेड़ बरगद का पेड़ है, एंड अगर तुम मतलब गांव वगैरह में गए हो थोड़ा बहुत भी, तो तुमने सुना होगा बरगद के पेड़ से ऐसा नेगेटिव एनर्जीज कुछ ऐसा अटैच होती हैं। भाई बहुत अजीब है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर रात के समय कार दौड़ाते हुए कुछ दोस्त अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक इंसान सड़क पर नंगा दौड़ रहा है। उसके मजे लेने के लिए वो अपनी कार उसके पास ले गए, और फिर कुछ ऐसा हुआ। हैरानी की बात थी कि नंगे पैर दौड़ता हुआ ये शख्स कार के बराबर कैसे दौड़ने लगा, साथ ही उसकी आंखें भी बेहद ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसका पीछा करने लग गया वो। सिर्फ जानवरों की आंखें इस तरह रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। भाई 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 भाई, ये म्यूजिक कम करो भाई प्लीज। जितना मेरे को वीडियो से डर लगता है, उतना म्यूजिक से डर लग जाता है। पर तुमने देखा वो कितने से क्रीपी तरीके से उस गाड़ी का पीछा करने लग गया? 2018 के दौरान झारखंड के धनबाद नगर निगम के कर्मचारी बेहद दहशत में थे, जिसकी वजह थी कैमरे में कैद ये तस्वीर। यहाँ लगे सीसीटीवी में सीढ़ियों पर बैठी एक महिला दिखाई दी, जिसके हाथ में कुछ चमक रहा था। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना था कि यहाँ एक भूतनी का साया है, जो कि शाम होते ही यहाँ मंडराने लगती है। आवाज करता छन छन, चूड़ी का छन की आवाज आकर खोलने पर फिरती हम बंद करके नहीं आते, उठे निकल जाते हैं। विज्ञान के इस युग में आप और हम भले ही भूतों पर विश्वास न करते हो, लेकिन यहाँ मौजूद हर कर्मचारी ने भूत की मौजूदगी का अनुभव किया है।
भाई मैं टू बी ऑनेस्ट, वीडियो को रखो साइड में, आई बिलीव ये सारी चीजें होती हैं। लाइक तुम्हारा नहीं पता, मेरे को लगता है कॉज भाई मेरे को याद है अभी से ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले की बात होगी। लाइक मैं, मम्मी और भैया, दीदी सब ऐसा एक ही बेड पे सोते थे, हम सब छोटे छोटे थे। एंड उस टाइम पे, इसी घर की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को सोते वक्त ऐसा छत पे किसी के चलने की आवाज आती। एंड मैं ये सीरियस बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लाइक मम्मी से तो पूछता भी था, लाइक ऐसा आवाज नहीं आ रही आपको, एंड वो मना कर देती थी। लाइक मेरे को लगता है इसलिए मना कर देती थी कॉज उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर कि किसकी आवाज है, बट वो आवाज आ रही होती थी भाई, क्योंकि रात के टाइम पे सब ऐसा शांत होता है, तुम्हें छोटी छोटी खनखन भी सुनाई देती है। एंड अभी मेरे को ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि वो घर यही था तो भाई। एंड ऊपर से हॉरर वीडियो और देख रहा हूँ, आखिर कौन थी वो। ओके इस साधारण से दिखने वाले वीडियो क्लिप ने ताइवान के कई न्यूज चैनल्स पर सुर्खियां बटोरी। बता दें ये वीडियो तकरीबन 20 साल पुराना है, जिसे एक परिवार ने ताइवान के एक पहाड़ी इलाके में अपनी एक ट्रिप के दौरान रिकॉर्ड किया था। भाई सब नॉर्मल है। इस ट्रिप से वापस लौटते वक्त इनके परिवार के एक सदस्य की अकस्मात मौत हो गई, जिसके चलते इन्होंने कई सालों तक इस ट्रिप के वीडियोज निकाल कर नहीं देखे। पर जब काफी सालों बाद उन्होंने अपने इस ट्रिप की यादें ताजा करने के लिए वीडियोज निकाल कर देखे तो देखते ही रह गए। उन्होंने देखा कि परिवार के जिस सदस्य की मौत हुई थी उसका चेहरा बदला हुआ दिखाई दे रहा था, और उनके परिवार के पीछे लाल कपड़ों में एक छोटी बच्ची भी चलती दिखाई दे रही थी, जो कि असल में उनके साथ थी ही नहीं। इस अजीब वीडियो को न्यूज में देखकर इसी इलाके के कई अन्य लोगों ने लाल कपड़ों में एक बच्ची के दिखने की बातें कही है। भाई वो एक्चुअली देख रहे हो तुम, दूर चल रही है थोड़ा, लाइक लग रहा है वो इनके साथ नहीं है। ओए होए होए भाई, एक्चुअल न्यूज चैनल्स की फुटेजेस हैं, एक बार को तुम मान भी सकते हो कि ये सच हो सकता है। किसका था वो हाथ? ओके अब इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए इसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला परिवार डर गया। वो डूब जाएगा बच्चा। अगर नहीं समझ पाए तो चलिए हम बता देते हैं। फेसबुक पर वायरल हुए इस वीडियो में एक पिता अपने बच्चे को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इसी दौरान बच्चे को पानी से बाहर आता हुआ एक हाथ छूता है और वापस अंदर चला जाता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले दंपति की माने तो इस दौरान पानी में उनके बच्चे के आसपास कोई भी नहीं तैर रहा था। फिर वीडियो में ये हाथ कैसे दिखाई दिया समझ पाना मुश्किल है। भाई देखो उन दोनों के आसपास कोई है भी नहीं है। एंड सी भाई मेरे साथ ये होता मेरी फट जाती लिटरली भाई। बट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं इसको फेक कैसे मानूं भाई, मुझे सोने जाना है भाई। वो एक्चुअल में किसी का हाथ था बट वहाँ पे कोई नहीं था। ओके नवीन भूल जाएगी सब, ऐसा कुछ नहीं देखा है तूने। ओके सो आई गेस आज के लिए बहुत ज्यादा डरावनी वीडियोस देख लिया मैंने, अब इससे ज्यादा नहीं देख सकता मैं, ठीक है। सो यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तुम्हें पता है क्या करना, मैं जान भी खेल रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम एक लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ एक चीज है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत ऐसा ये हॉरर वीडियोस से इम्यून होता जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद होगा पहले मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था भाई, बट अभी थोड़ा कम लगता है, पहले जितना नहीं लगता एटलीस्ट। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं तुम्हें मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय। भाई अब सोने कैसे जाऊंगा, नींद भी कैसे आएगी।